जो कॉलेज में इसका टेस्ट है ना, आउटस्टैंडिंग नहीं, उनमें टेक लाई। अस्सलाम वालेकुम जी, ट्रिप टक की एक और फ्रेश अमेजिंग और डिलीशियस एपिसोड के साथ आपका भाई हाजिर है। और भाई हम लोग गुजरात में हैं, जैसे कि पिछली दो वीडियो से आप लोग देख रहे हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस जा रहा है गुजरात का। तो अब लास्ट जो वीडियो थी हमारी ग्रूज ग्रिल की, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने पसंद भी किया, और यहाँ पर उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो थाली एक रेस्टोरेंट है। अब इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है गुजरात के अंदर। ये बेसिकली नॉर्वे की चेन है, जहाँ पर पाकिस्तानी फूड जो है वो नॉर्वे के अंदर सर्व किया जाता है, जहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। तो वही चेन उठाकर भट साहब जो इसके ऑनर हैं वो लेके आए हैं गुजरात के अंदर, और पहली ब्रांच जो है वो गुजरात में इन्होंने बनाई है बिल्कुल ग्रूज ग्रिल के ऑपोजिट साइड पर। तो इनकी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो है वो थाली के अंदर ये सर्व करते हैं। ऑथेंटिक थाली रेस्टोरेंट जो है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा, जो कि डिलीवरी भी थाली स्टाइल के अंदर करते हैं, पूरी पूरी थाल जो है वो डिलीवर करते हैं। जो थाल इन्होंने डिस्पोजेबल हैं वो चाइना से मंगवाई हैं। भी मेरी बात हुई जब हम ग्रूज ग्रिल के ऊपर इनका फास्ट फूड खा रहे थे, तो मैंने सोचा यार डेफिनेटली इसको कवर करना बनता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में आपको बहुत ही कम मिलेगी, जो कि ऑथेंटिक एक चीज़ के ऊपर स्टिक रह के आपको जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फूड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलें आए ज़रा थाली को भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि भाई ये क्या हमें ऑफर कर रहे हैं, इसके शशके भी दिखाते हैं, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का अंदर एम्बियंस है, तो वो भी आपको चेक करवाते हैं। तो शुरू करें। ओके जी, तो फाइनली इतनी बड़ी सारी थाल हमारे पास जो है वो थाली की तरफ से आ चुकी है। इमरान भाई हमारे साथ हैं जो यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो इमरान भाई कैसे हैं, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, मुझे अब बारी बारी गाइड करें। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये थाली का नाम क्या है, इसलिए जो इतनी बड़ी थाल आपने इसका सामने नाम रखी है। ये मुगलाई थाली है जी, ठीक है। ये 2 पर्सन के लिए, ये दो बंदों के लिए जी, दो बंदों के लिए। दो बंदे इतना सारा खा लेंगे जी? खा लेंगे जी, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं लग रहा है एटलीस्ट 4 से 5 बंदे इसको आराम से खा सकते जी, हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर बात करेंगे गुजरात की, तो यहाँ के लोग अगर बट्टों की बात करेंगे वो तो 2 बंदे हाँ जी, वो तो आराम से खा लेंगे। अच्छा, मुझे बताएं क्या क्या स्पेशल चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर थाली में? स्पेशल चीज़ें यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे पास है जी बटर चिकन है, ठीक है जी, बटर चिकन है। ये हमारे पास पनीर मसाला है, ये हमारे पास चना मसाला है, और ये हमारे पास मलाई कोफ्ता है, ठीक है, फ्रेश सैलड है, और ये जो है ना हमारे पास मिंट चटनी है। और हमारे पास ये चिकन कबाब हैं, चिकन कबाब हैं, गार्लिक टिक्का है, लेग पीस हैं, ठीक है, और विंग्स हैं, और ये राइस और राइस है, ये राइस है, ये सादे सिंपल राइस है, सिंपल राइस है। और दूसरी बात, ये हमारे पास ये रोटी है, ये हाइजेनिक रोटी है जनाब जी, हमारी जो है ना ये ओवन में तैयार होती है। अच्छा, वो तंदूर वाला कोई आपका सेटअप नहीं है? और वो नहीं, वो कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। ओवन के अंदर ये रोटी, ओवन में रोटी हम तैयार करते हैं, और ये देसी गंदम की आटे की रोटी है, और देसी घी लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक हो गया। तो ये जो थाल इतनी बड़ी है, ये इसकी प्राइस मुझे बताएं कितनी? ये इसकी जो प्राइस है 1820 रुपये का जाम। 1820 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। और अगर कोई डिलीवर कराना चाहे इसको, डिलीवर कराना चाहे तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला वो भी नहीं। इसी तरह थाल में जाएगी? हाँ, इसी तरह हमारे पास जो ना टेक अवे डिब्बे हैं वो हम बना रहे हैं, तो वो उसी में जाएगा हमारा इंशाल्लाह। अच्छा, तो डब्बों को इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि वो थाली की लुक में आपको एज इट इज़ जो है वो ये सारी चीज़ें, हमारा सारा खाना जो है ना वो थाली में ही है, चाहे वो सिंगल पर्सन के लिए, चाहे वो 2 पर्सन के लिए, चाहे वो 4 पर्सन के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मिनिमम आपके पास एक बंदे के लिए क्या है थाली में, और मैक्सिमम कितने लोगों के लिए आपके पास थाली? मिनिमम हमारे के लिए, हमारे लिए है बटर चिकन, पनीर मसाला, चना मसाला, मलाई कोफ्ता, राइस और रोटी है, ठीक है। ये 400 मिलेगी हमारे, ये सिंगल पर्सन के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें 400 में सिंगल पर्सन के लिए, सिर्फ ग्रेवी में? अच्छा, ग्रेवी में, सिर्फ ग्रेवी में मिलेगी। इसमें बारबेक्यू आइटम ये वाली नहीं है, 400 में मुनासिब है ये सारी चीज़ें, और वो राइस भी और रोटी भी और सैलड और ये मिंट चटनी भी, ठीक है। और मैक्सिमम में हमारे पास क्या चीज़? दरबारी थाली है। अच्छा, दरबारी थाली है, इसमें जो है ना हमारे पास टोटल 4 पर्सन के लिए दरबारी थाली है, ये सारी ग्रिल है, ठीक है ना। और ये हमारी दरबारी थाली है 4 बंदों के लिए, वैसे तो अदरवाइज जो है ना 6 बंदे खा सकते हैं, ये आराम से खा सकते हैं, ठीक है जी। और ग्रेवी के लिए जो है ना हमारे पास ये जो है ये मुगलाई थाली है, इसमें हम जो है ना आपको एड ऑन किया इसमें। अच्छा, मुझे दरबारी थाली का बताएं, इसमें कौन कौन से आइटम है ये जो जी, इसका मेन्यू देखें तो हमारे पास ये क्या? दरबारी थाली में हमारे पास ये मटन चाप है, ठीक है, चिकन कबाब है, लेग पीस है, विंग्स हैं, गार्लिक टिक्का है, और फ्लैश सलाद रोटी वगैरह,
ठीक है, ये सारे ग्रिल ग्रिल में हमारे पास। अच्छा, ये चार लोगों के लिए, वैसे छह लोग आराम से खा लेंगे, चार पीस है हर चीज के, तो ये भी जो थाली आप दो पर्सन, और हमारे पास मटन चांप भी है, और मटन चांप जो है ना ये भी हमारे पास जो है ना ये हम ओवन में तैयार करते हैं। ठीक हो गया, चलो दरबारी थाली आपकी फिर बड़ी वो लग रही है, टेम्पटिंग लग रही है, इसको नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अभी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है वो खा चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, तो शुरू करते हैं फिर आपको इंशाल्लाह हमारा फीडबैक। चले मैं, ओके जी, तो शुरू करते हैं फाइनली थाली। अब मुझे समझ नहीं आ रही इसको कहाँ से शुरू करना है, तो सबसे पहले रोटी से स्टार्ट करते हैं, और रोटी हम लोग जो है वो बटर चिकन के साथ लेंगे। कैस तू भी स्टार्ट कर जहाँ से तेरा दिल कर रहा है। अच्छा, ये इसकी ये क्या है, ग्रीन जो है ये गार्लिक टिक्का है, मिर्च चटनी के साथ ट्राई करते हैं, मजेगा यार गार्लिक टिक्का। लाहौर में शायद ही गार्लिक टिक्का इस तरह का कोई हमने ट्राई किया हो, मैंने नहीं, आई डोंट रिमेंबर, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ गार्लिक टिक्का, ग्रीन कलर का ये जो है। अच्छा, चिकन के रेशमी कबाब है, ये ट्राई कर लेते हैं मिर्च चटनी के ही साथ। अच्छा यार, बारबेक्यू ट्राई करते हैं भाई। भाई फौज मंगवानी पड़ेगी, दो लोगों वाला काम तो नहीं है ये, अभी बस देखना ये कैसे टूट के पड़ते हैं इसके ऊपर। एक डिफरेंट टेस्ट है बारबेक्यू का, सारी चीज़ें एक नॉर्मल टेस्ट से एक चेंज है, चेंज टेस्ट है इसका। सारी चीज़ों की अगर बात करेंगे तो एक स्लाइटली सा आपको डिफरेंट टेस्ट आएगा, जो कि वो पॉजिटिव साइड के ऊपर है, मतलब आपको एक मज़ेदार और डिफरेंट टेस्ट मिल रहा है, जो कि बड़ा कम मिलता है बारबेक्यू के अंदर। नॉर्मली सिमिलर किस्म का टेस्ट चल रहा होता है बारबेक्यू में। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ही आपको रिव्यू देना पड़ेगा इसको ख़त्म करने के बाद। ओके जी भाई, जब तक हमारी ये थाली हमारे फौजी जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, तब तक ज़ाफ़रानी चाय आ चुकी है, इसको टेस्ट करके देखते हैं भाई इसका क्या सीन है। यार मज़ेदार, जो ज़ाफ़रान का अंदर टेस्ट आ रहा है, इलायची का टेस्ट आ रहा है, ज़बरदस्त किस्म की चाय है। तो बात कर लेते हैं भाई ये ओवरऑल थाली के हवाले से, तो मुझे अगर पर्सनली बात करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका कॉन्सेप्ट लगा है थाली के अंदर। प्रॉपर इनका मेन्यू जो है वो सारा थाली के अंदर है, बेशक वो 1 पर्सन की सर्विंग है, बेशक वो 4 पर्सन की सर्विंग्स है, जितने मर्ज़ी लोग आएंगे सबको थाली के अंदर ही मिलेगा, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कहीं और जो है वो किसी एरिया के अंदर हो रहा है। लोग जो है वो थाली के नाम पे बेचते हैं, कुछ आइटम्स थाली के अंदर होते हैं लेकिन कढ़ाइयाँ भी चल रही होती हैं, जो कि कढ़ाई में जा रही हैं और सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन ये वाहिद मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा नॉलेज है ऐसी है थाली के ऊपर बेस्ड रेस्टोरेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ थाली के अंदर आपको ना सिर्फ सर्व कर रहा है बल्कि डिलीवर भी कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त इनकी चीज़ है। और टेस्ट की बात करेंगे तो यार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है, काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो इस थाली के अंदर खाने को मिली है, ख़ास तौर पर इनका जो बारबेक्यू है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है। इनके जो कोफ्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, इनकी जो मखनी हांडी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो इनका बटर चिकन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल अगर आप ये थाली ट्राई करेंगे तो मेरा ख्याल है मस्ट ट्राई करनी बनती है यहाँ पर आकर। हमने जो थाली ट्राई की है इनकी वो है 1820 रुपए की मुगलई थाली, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं, और मेरे ख्याल से ये थाली जो है वो 4 से 5 लोग तो इजीली खा सकते हैं। इन्होंने इसके ऊपर सर्विंग लिखी हुई है 2 लोगों की, जो कि मेरा ख्याल है बहुत कम है, 2 लोग इसके लिए एटलीस्ट 4 से 5 लोग जो है वो इस थाली को ख़त्म करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, जो कि पेट भर के यहाँ से जो है वो जाएंगे। तो थाली भाई जो लाइट चली गई है, बहरहाल वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, डेफिनेटली आगे यहाँ पर थाली पे ट्राई करें, मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार थाली का। इनका जो एम्बियंस है यहाँ का, इनका जो यहाँ पर जो सेटअप है बहुत ही कमाल का है, तो आप ज़रूर आएँ अगर आप यहाँ पर हैं गुजरात के अंदर है, या फिर आप यूटी रोड से सफ़र कर रहे हैं और आपका मूड बनता है खाने का और गुजरात के आसपास है, तो डेफ़िनेटली आके इनकी थाली जो है वो ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर तो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फॉलो करना मस्ट है। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये खाने वाली चीज़ है, ये खाने वाली चीज़ है, लाला फाइल। जो काली मिर्च का टेस्ट है ना, आउटस्टैंडिंग। भाई काली मिर्च वैसे ही ले लो, फिर काली मिर्च कैसी होती है, काले रंग की।